देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी ने बताया कि देश में जिस प्रकार लगातार महंगाई चरम सीमा पर है, तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही खाद्य पदार्थ भी आसमान छू रहे हैं। आम जनमानस की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के सभी जिला स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करेगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्थिति पैदा कर दी है कि पूरे देश में अब जो है जनता जो है महंगाई को लेकर लामबंद होने जा रही है, और उस जनता की अगुवाई जो है देश भर में कांग्रेस बड़े विपक्षी दल के रूप में है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों को हम लोग आगे से फेस करें, और उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के जो है अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन जो है राजभवन का घेराव होने जा रहा है।